अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका आयाज खान और इस समय मैं हूँ बागपत में और बहुत ही प्यारे और ह्यूज लोकेशन पे हूँ और मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा, आप लोगों को भी लगेगा। और मेरे साथ है फिल्म की जो है एक्ट्रेस मनीषा। हाय मनीषा यादव। हेलो एवरीवन। और मनीषा मेरे साथ है और आप लोगों को दिखलाऊंगा, अभी हम लोग पुल पे चढ़ेंगे, ब्रिज पे चढ़ेंगे। बहुत अच्छी पुल है, आप सब भी देखिए। हाँ, तो मैंने कहा ना कि जब भी मैं जहाँ पे रहूँगा, आप लोगों के जो फिल्में करता रहूँगा, सारे इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। तो अभी हम कमांडो फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा लोकेशन है और हल्की हल्की ठंडी है और मौसम भी बहुत कूल है। और अभी हम आप लोगों को पूरा ब्रिज दिखलाते हैं, ठीक है? ओके, देखते रहिए। अभी हम नेपाल में हैं, अपनी फिल्म कमांडो की शूटिंग करने आए हैं और बहुत ही प्यारा लोकेशंस है। और आप लोगों से मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं जहाँ पे शूट करूँगा आप लोगों को इन्फॉर्म करते रहूँगा। और बहुत ही प्यारा लोकेशन, देखते हैं कितना प्यारा लोकेशन है। तो मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे फैंस हैं, उन सभी लोगों को जो है जहाँ पर शूट कर रहा हूँ वहाँ के लोकेशंस ज़रूर दिखलाता रहता हूँ। और आप लोग हमेशा हमें इज्जत देते हो, प्यार देते हो, बहुत अच्छा लगता है। और ये प्यार, ये दुआ, ये आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। एंड लव यू माई फ्रेंड, लव यू। और मेरे साथ हमारे कुछ को एक्टर भी बैठे हुए हैं, बैठी हुई भी हैं। ये जस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ एक डैम के पास, देख सकते हैं। और गांव भी है, गांव के लोग देख सकते, बकरी भी, बकरी 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 बकरी, बहुत ही पुराना गांव है। बत्तख भी है, बत्तख मुर्गी भी है, बत्तख भी है, देखिए आप लोग क्या पुराना यूज लोकेशन है, देख सकते। यही क्या प्यारा लोकेशन से देख सकते हैं आप लोग। जाए उधर ही है सर, सब इधर ही। और ये लोकेशन इतना अच्छा है कि यहाँ पे जो है मतलब जो है शरणार्थी भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं इस लोकेशन पे जो है एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए, टाइम पास करने के लिए। और हम लोग यहाँ पे आए हैं शूट करने के लिए अपनी मूवी का। सो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लोकेशन। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका आयाज खान और इस समय मैं हूँ नेपाल में और बहुत ही प्यारा लोकेशन है, आप लोग देख सकते हैं। मैं मेरी बोट पे हूँ और शूटिंग करना है, अपना शूट भी चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा लोकेशन है, मैं सोचा कि जो है अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को जो है यहाँ का लोकेशन दिखलाऊँ। ऊपर आइए, आप ऊपर आइए, थोड़ा चल के आइए, देखिए कितना अच्छा बोट है यहाँ पे। पूरा जो है सिस्टम लगा हुआ है कि आप बोट को यहाँ से जो इंजन लगी हुई है और उस पार जाने के लिए, उस पार जो है बहुत ही खूबसूरत और प्यारा वादियाँ हैं। झुलनी पुल है, झुलनी पुल है और झुलनी पुल भी है यहाँ पे, आप लोगों को दिखलाया मैंने कि झुलनी पुल भी है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बहुत प्यारे प्यारे और ह्यूज लोकेशन मिलेगा, देख सकते हैं। शाम हो गया है, हल्की हल्की जो है कुहासा भी बोलता है, कोई बोलता है ओस बोलता है। तो कुहासा और ओस धीरे धीरे आने लगे हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा लोकेशन है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आप लोग ऐसे ही जो है आयाज खान चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सब कुछ बताता रहता हूँ और आगे भी बताऊँगा। तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल आयाज खान ऑफिशियल। लव यू ऑल, बाय।
टेक केयर सर। आपको तो नेपाल में आप आए तो आपका नेपाल में भी आपका फैन लोग है, आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? सबसे नाम है हाँ नेपाल में, चूँकि नेपाल में आया हूँ तो यहाँ भी हमारे बहुत सारे फैंस मिले। मैं जब भी पूल पे गया या यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ भी बहुत सारे हमारे लोग जो है फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो बड़ी खुशी होती है कि जो है कि हम लोग के चाहने वाले, हम लोगों का कला को प्यार करने वाले नेपाल में भी हैं, तो ये बहुत ही खुशी मिलती है। मतलब जिसको बोलता है कि अंतरात्मा मन जो है अंदर से प्रसन्न होता है, और हम हमेशा चाहेंगे कि ऐसे हमारे दर्शक हमको प्यार करते रहे, आशीर्वाद देते रहे, दुआएं देते रहे। और इस फिल्म का एक बहुत प्यारा डायलॉग है, मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत ही प्यारा डायलॉग है जो कि फिल्म जो है कमांडो में, वो जिंदगी ही क्या, वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जिस तिरंगे से लिपटी ना हो। तो बहुत अच्छा डायलॉग था।